वहीं कानपुर देहात पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को जनता ने पलट दिया है और वे बहुत पीछे छूट गई है। ये 400 पार नहीं 400 हार है। मैंने सुना है कि 400 पार का नारा वे नहीं लगा पा रहे हैं। अब वे संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि लोग संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। और भी क्या कहा, आइए सुने। बीजेपी को जनता ने पलट दिया है और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। सर, बीजेपी कहती है 400 पार, 145 किसको छोड़ रही है? ये 400 पार नहीं 400 हार है। और इधर सुनने में आया कि अब 400 पार का नारा ही नहीं लग पा रहा है और अब संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो जान गए हैं कि अब जनता संविधान बचाने के लिए वोट डाल रही है।